समय हल्द्वानी पीलीकोठी के पास उदय विहार, उदय भवानी विहार में उपस्थित हूँ और मेरे सामने दो यंग जेंटलमैन बैठे हुए हैं और मैं उनका अपने धासनों से नम्र स्वागत करता हूँ। अभिसार और उत्कर्ष, आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है और अभी आप क्या कोर्स परस्यू कर रहे हैं? तो हम दोनों की ही स्कूलिंग आर्यमान विक्रम बिरला हल्द्वानी से ही हुई है। ओके। और मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहा हूँ IIT रुड़की से, सेकेंड ईयर। ओके। और मैं अभी, मेरा एडमिशन होने वाला है IIT में, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू करूँगा। कहाँ से? रुड़की से। रुड़की से। अच्छा, तो इसका मतलब आप दोनों लोग जो है रुड़की के ही पार्ट बनने जा रहे हैं। आप तो खैर ऑलरेडी वहाँ पे, आपका सेकंड ईयर है, 2021 में आपका हो गया था और आपका इसी साल हुआ है। पहले तो आप लोगों को, दोनों को बधाई कि आप एक अच्छे संस्थान से अपना बीटेक का कोर्स करेंगे और आने वाले समय में आप एक सफल इंजीनियर बनके हमारे समाज के बीच में उपस्थित होंगे। आप लोगों ने जो IIT की बात करी, तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि IIT में यदि बच्चा कोई तैयारी करता है तो कितने घंटे उसकी तैयारी होनी चाहिए और किस तरीके की प्रिपरेशन उनकी होनी चाहिए, क्या शेड्यूल रहता है? घंटे का मेरे हिसाब से तो आपको पूरे जितना आप पढ़ सकते हो, ह्यूमनली जितना पॉसिबल है, वही एक ऑप्शन है। मेहनत के अलावा और कोई उसमें, मतलब और कोई स्ट्रैटेजी, कोई तरीका कुछ नहीं है। आपको जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतनी करनी है, बहुत सिंपल है। अच्छा अच्छा जी, उत्कर्ष को एड ऑन करना चाहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मतलब अगर हमने 2 साल पढ़ाई करनी है तो मतलब बिना किसी ब्रेक के, किसी ब्रेक के पढ़ाई करनी है। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है, आपने बिल्कुल सही बात कही। तो आपने कहीं कोचिंग भी ली थी या फिर आपने सेल्फ स्टडी के आधार पर इस कंपटीशन को क्रैक किया? हमने इनिशियली तो कोचिंग में एनरोल किया था, पर फिर कोविड और इन सब के चलते कोचिंग उतनी सही रही नहीं, तो हम मोस्टली सेल्फ स्टडी से ही हमने किया है दोनों ने। अच्छा, आप दोनों हमारे सेम, आप दोनों क्या पड़ोस में रहते हैं या कोई आपके आपस में रिलेशनशिप है? जी हम कजन्स हैं। कजन्स हैं, अरे वेरी नाइस। तो आपने जो है अपने बड़े भैया को, अभिसार जी को आपने जो है फॉलो किया है, बहुत अच्छी बात है, ये चीज होनी चाहिए। मैं बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ, कोई भी बच्चे हों तो ऐसे जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। वो किस तरीके से स्टडीज करते हैं, किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल करते हैं, ये बहुत मायने रखती है। IIT के एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, जो इन बच्चों ने बताया। तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगा कि आप, जैसा कि एक ही इंस्टीट्यूट से आप बीटेक करने जा रहे हैं, तो क्या आपके शौक जो हैं, जो हॉबीज हैं, उनमें भी कुछ सिमिलरिटी है? जी काफी सिमिलरिटीज हैं, हम दोनों ही म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, काफी इंक्लाइंड हैं और हम दोनों ही ड्रम्स बजाते हैं। अच्छा, दोनों ड्रम्स बजाते हैं, बेसिकली आप ड्रम्स बजाते हैं, लेकिन बाकी कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं? मैंने अभी हाल ही में पियानो सीखना स्टार्ट किया है। अच्छा, पर अभी इसमें कुछ समय है कि वो अच्छा बजाना आ जाए। अच्छा अच्छा, और उत्कर्ष आप क्या बजाते हैं और इसके अलावा? मैं गिटार बजा लेता हूँ थोड़ा सा और पियानो भी सीख रहा हूँ। अच्छा जी, तो कुल मिलाकर दो तीन इंस्ट्रूमेंट्स आप जो है प्ले करने की कोशिश करते हैं जी। और ड्रम में आपका स्पेशलाइजेशन है, आप बजाते हैं काफी समय से। तो बाकी इसके अलावा आपका क्या रूटीन रहता है, जैसे कि आप अभी तो कॉलेज में हैं जी और आपका एडमिशन होना है अभी, तो आपको तो अभी उसके माहौल से भी इतना वाकिफ आप नहीं है, लेकिन अभिसार से मैं पूछना चाहूंगा कि वहाँ का जो शेड्यूल होता है वो क्या रहता है? हमारा भी तो सेकंड ईयर में ऐसा शेड्यूल है कि सुबह हमारी क्लासेस होती हैं, यूजुअली 9 o'clock से या 8 o'clock से स्टार्ट हो जाती हैं और यूजुअली 1 o'clock तक खत्म हो जाती हैं। देन उसके बाद हम लंच करते हैं, तो मोस्टली टाइम्स में ही चले जाता है लंच करना, मेस जाना, हॉस्टल में थोड़ा कुछ भी आपको तैयारी करनी है। फिर यूजुअली हमारे 2 बजे से 6 बजे तक प्रैक्टिकल्स या ट्यूटोरियल्स या ऐसा कुछ होता है, जरूरी नहीं रोज 2 से 6 ही, पर उनके बीच में ही कहीं कुछ होता है। और 6 बजे के बाद यूजुअली आपको जो कि आपकी एक्स्ट्रा जो चीजें आप करते हैं उनके लिए टाइम मिलता है। 6:30-7 बजे से जो गेम्स खेलते हैं वो गेम्स खेलने जाते हैं, जो भी म्यूजिक डांस जो भी आप एक्स्ट्रा करते हैं उसका टाइम होता है। फिर यूजुअली वही 10-11 बजे के बाद ही लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, और
बहुत लेट नाइट तक लाइफ रहती है, 3, 3:30, 4 बजे तक भी सब लोग एक्टिव रहते हैं, एंड देन सुबह 9 o'clock क्लासेज हैं, तो फिर उससे थोड़ी देर पहले ही उठ पाते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस सा है, अगर आप लेट नाइट तक पढ़ाई करेंगे, स्टडी अगर रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका उठने का समय जो है थोड़ा सा बाधित होता है। उत्कर्ष, क्या आप संगीत के अलावा किसी स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हैं कि नहीं? जी, क्रिकेट और फुटबॉल। अच्छा, अभी आपने कभी स्कूल लेवल पे खेला है कभी? स्कूल लेवल पे तो नहीं, मतलब ऐसी, हाँ कभी कभी। अच्छा, आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत है स्पोर्ट्स की तरफ? स्पोर्ट्स में है थोड़ा इंटरेस्ट। हाँ उत्कर्ष, जैसा कि आपने इसी वर्ष जो है IIT का एग्जाम क्रैक किया है, तो मैं आपकी रूटीन के बारे में जानना चाहूंगा कि आपने किस तरीके से अपने पढ़ाई को मैनेज किया है। जी, रूटीन लोगों के अलग अलग होते हैं, मतलब कुछ लोग रात को पढ़ते हैं देर तक और कुछ लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो मेरा ये था कि मैं ज्यादा मतलब रात को पढ़ता था, 3-4 बजे तक पढ़ता था और सुबह लेट उठता था। ओके, तो फिर ऐसे रहता था, मतलब पूरा दिन पढ़ना ही होता है IIT में। हाँ बिल्कुल जी। और सब्जेक्ट्स में मतलब फिजिक्स को ज्यादा मतलब प्रीफर कर रहा था मैं, मतलब इंटरेस्ट भी था और अच्छा भी लगता था, मतलब मार्क्स उसमें ज्यादा है। और बाकी केमिस्ट्री ऑफ मैथ्स में मतलब पढ़ना तो सब होता है, मतलब बेसिकली सारे मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं सब आने चाहिए आपको, अगर IIT अच्छे से क्लियर करना है तो। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये रहता था। और बुक्स में NCERT केमिस्ट्री में NCERT सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और वही कोचिंग की मॉड्यूल्स वगैरह होती है, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए बस। बिल्कुल, आपने जो है अपने रूटीन को बताया किस तरीके से आपने उसकी प्रिपरेशन किया IIT की। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपका रिजल्ट आया होगा, आपको IIT रुड़की मिलने की जब संभावना बनी, तो आप IIT के प्रति क्या धारणा बना के चल रहे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है IIT कॉलेज से? जी, IIT में ये मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ पे मतलब सब हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, मतलब सब मतलब पढ़ाई में अच्छे होते हैं, मतलब उनसे उनके साथ चलने में मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल वही, और कॉम्पिटिशन भी वहाँ रहता है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, और कॉलेज लाइफ तो मतलब जितना हमने देखा है वो तो अच्छी रहती है, वहाँ पे सब चीजें होती है करने को, स्पोर्ट्स म्यूजिक मतलब सही रहता है सब, तो वो ज्यादा सही लगता है। टेक्नोलॉजी के मामले में अगर देखा जाए तो IIT का स्थान जो है काफी ऊपर है इंडिया में, विशेष तौर पे वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत अच्छी जगहों पे जाते हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस में जाते हैं, तो यही आपका भी मानना होगा कि कुछ अच्छे सिलेक्शंस जो है आपके होंगे अच्छी जगहों पे, तो आप इसी उम्मीद के साथ IIT को ज्वाइन कर रहे हैं। अभिषार जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि IIT के प्रति, जैसे मैंने अभी उत्कर्ष से पूछा कि आप क्या उम्मीद लेके जा रहे हैं IIT के लिए, आपने भी कुछ अपने मन में कुछ बातें सोची होंगी कि IIT में जाके ये माहौल मिलेगा, ये परिवेश मिलेगा, तो क्या आपने वही पाया जो आप सोच के गए थे, या फिर कुछ डिफरेंट आपको लगा IIT में जाके? जी, कुछ कुछ चीजें तो जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही था जो उत्कर्ष ने बोला, मेहनत वाला फैक्टर कि सब मेहनती हैं, सब मेहनत करते हैं, वो चीज तो बिल्कुल ट्रू है। वहाँ सभी बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हमेशा आगे बढ़ने का ही यूजुअली सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करते हैं, सिर्फ किताबों में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा लोगों को बहुत सारी चीजें आती है नई नई टाइप की, और लोगों की अलग अलग हॉबीज हैं, और उन सब हॉबीज में वो अच्छे हैं, क्योंकि उन सब के अंदर मेहनत करने की धारणा बहुत पहले से है। उन्होंने जो भी इंटरेस्ट दिखाया जिस चीज में भी, उसमें काफी मेहनत करी, और वो बहुत चीजों में अच्छे हैं, सिर्फ पढ़ाई में नहीं। तो ये चीज थी जो मुझे लगी, तो मैंने पहले नहीं सोची थी। जैसा कि आपने अपने बातों में बताया कि वो एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा भी काफी चीजों में, और वो जो आपने एक की पॉइंट आपने बताया कि क्योंकि वो मेहनत करने की उनकी आदत होती है, तो जिस फील्ड में भी जाते हैं तो वो बहुत अच्छा अपना बेस्ट देते हैं। तो आपके भी, जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि आप ड्रम बजाने के शौकीन हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं, और इसके अलावा भी मैं आपके पेरेंट्स से जब मिला था, पहले बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आपको वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी का भी शौक है, जरा उसका भी जिक्र करेंगे कुछ न कुछ। जी, तो हमारा प्राइमरीली तो म्यूजिक ही था, तो जब हम थोड़ा अच्छा बजाने लगे, थोड़ा अच्छा करने लगे कुछ कुछ, तो हमें लगा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसको और लोगों को दिखाते हैं बना के, तो उसी कारण हमने हल्का हल्का कुछ कुछ नेट में वीडियो एडिटिंग वगैरह करना देखा कि हम कैसे अपनी वीडियो बनाएं, क्या करें, तो उससे ही वीडियोग्राफी वगैरह में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो फिर वहाँ से ही स्टार्ट होके फिर मैंने, जब आप ड्रम नहीं बजा सकते, जब आप बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, तो अपने लैपटॉप पे आप मतलब एडिटिंग एक्सप्लोर करी, थोड़ा यहाँ नेट से सीखा, तो बस उसमें भी फिर इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप हो गया। बिल्कुल जी, बहुत सुंदर आपने बताया।
अभिसार और उत्कर्ष, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। जैसा आपको भी पता है, हम सभी को पता है कि प्रतिवर्ष लाखों बच्चे आईआईटी के लिए भरते हैं, जेई के लिए भरते हैं, लेकिन सफलता बहुत कम बच्चों को मिल पाती है, क्योंकि सीट भी लिमिटेशन है। और ऐसे बच्चे जो निराश हो जाते हैं, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और यदि वो आईआईटी नहीं निकल पाते हैं तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन बचते हैं? पहले तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा स्ट्रेस लेने का बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है। इवन इफ किसी का आईआईटी नहीं होता है तो फिर भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि आईआईटी में जाके भी आपको, ठीक है सेम नहीं भी, तो काफी हद तक सिमिलर अपॉर्चुनिटीज बाकी कॉलेज में भी मिलेंगी। बस ये अंतर है कि आईआईटी में मे बी आपके जो साथ वाले हैं वो सारे पढ़ाई कर रहे हैं, सारे वो कर रहे हैं, तो आप भी उनके साथ उनको देख देख के ही मेहनत करते हो, तो आप बाकी जगह जाके भी मेहनत कर सकते हो। बिल्कुल सही। तो इतना आप निराश होने की बात नहीं है, आप बाहर जाके मेहनत करोगे तो भी आपको सेम रिजल्ट ही मिलेंगे। तो मैं कर सकूंगा कि जब किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाओ, मेहनत तो आपको सब जगह करनी है, बिल्कुल करनी है। या आप आईटी में जाओ या फिर कहीं और जाओ, तो हार्ड वर्क ही लास्ट में मतलब काम आता है। यस बिल्कुल, आपने बिल्कुल फैक्ट बता दिया यहाँ पे कि जो बच्चे आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस साल भरेंगे या नेक्स्ट ईयर देंगे, तो वो बच्चे कभी भी इसको बिल्कुल एकदम प्रेशर लेके ना करें, कहीं पर भी ऐसे रेट रेस में शामिल ना हो जिससे कि उनको कहीं पे जोखिम उठाना पड़े, या फिर वो और चीजों के लिए भी अपनी तैयारी को छोड़ दें, ऐसा ना करें। एनआईटी है या बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पे एडमिशन लेकर के भी आप अपने शौक को पूरा कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को बिल्कुल एकदम तराश सकते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इन दोनों यंग आईआईटीएन ने आपको जो सलाह दी है उस पर भी अमल करें। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपकी जो हॉबीज रही हैं, जिस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा फ्री करते हैं, मैनेज करते हैं, वो आपने ड्रम को अपना एक मेन इंस्ट्रूमेंट बताया है, तो हम उसको सुनना चाहेंगे। आप लोगों ने दोनों ने बहुत बढ़िया ड्रम प्ले किया, और मैं एक चीज की जो मेरे को पूछने की इच्छा है कि आपने किसी से ड्रम बजाना सीखा था, कहीं से आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है या नहीं? जी बचपन में हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए अलग से लेसन होता था, तो उसमें मैंने ड्रम चूज किया था खुद से। तो फिर हमारे जो टीचर थे वो बहुत अच्छे थे, हमारे स्कूल के बहुत अच्छे से टीचर थे, तो उन्होंने हमको बेसिक्स सिखाया था, स्टार्ट किया था। पर फिर एक टाइम के बाद आगे जाके हमने इंटरनेट से और खुद से ही बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी है। मेरी स्टार्टिंग तो ऐसे ही हुई थी। ओके और मैंने तो मतलब अगर इस मतलब ये बजाता है ड्रम, तो इसके बाद ड्रम्स वगैरह थे घर पे पहले से ही, तो मैंने सही देख के सीखा है। अच्छा जी ठीक। मैं अंत में आप लोगों से एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी के लिए स्पेशली जो है, तो उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने अटेम्प्ट में सही तरीके से उसको क्वालिफाई कर पाए? स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आईआईटी इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब जो आईआईटी में जा रहे हैं वो बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, सबके पास सेम कंटेंट है, सबको सेम चीज़ पढ़नी है, बस ये मैटर करता है कि हार्डवर्क सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है। जी और कंसिस्टेंसी भी बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको पता ही है। और अगर आपका आईआईटी में नहीं भी होता है इनकेस, तो फिर दिल छोटा करने की बात नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा आईआईटी मार्क्स ये सब सोचोगे तो आपको फालतू का स्ट्रेस होगा और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे,
बेटर ये रहेगा कि आप अपना फोकस पढ़ाई पे करें, आप पढ़ाई करोगे आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स इंप्रूव होंगे, ऑटोमेटिकली अच्छी रैंक आएगी, अपने आप आईआईटी हो जाएगा, ज्यादा टेंशन करने की बात नहीं है, आप बस मेहनत करो। अभिसार और उत्कर्ष, आप दोनों ने एक शानदार सा मैसेज उन बच्चों के लिए दिया है जो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। आप ऐसे मैसेज अगर उन बच्चों के लिए देंगे जो आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे और उनको भी सफलता मिलेगी आईआईटी के लिए। अभिसार और उत्कर्ष, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे और आपने जो आने वाले जनरेशन है जो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको एक सुंदर सा मैसेज दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो संगीत का कारवां है और जो आईआईटी की पढ़ाई है वो बहुत अपने उत्कर्ष को होगी और आप सफल होंगे और अपने माता पिता का, उत्तराखंड का, पूरे भारत देश का नाम रोशन करेंगे और अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।